Hello friends, welcome to Jairin Classes. Happy Holi to all. I know आज किसी का पढ़ने का मन नहीं होता फेस्टिवल के दिन में, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक रिक्वेस्टेड वीडियो बना दूं. तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँ कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए. तो आज मैं उसी सारे डिटेल्स में बात करूंगी आप लोगों से. तो सबसे पहला चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्टडी मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए. तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, सबसे पहला चीज़ इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों को सबको रखना चाहिए अपने पास, वो है बेयर एक्ट. सारे सब्जेक्ट्स के बेयर एक्ट अपने पास रखा कीजिए, और जब भी पढ़ने बैठा कीजिए ना तो मेन टेक्स्ट बुक के साथ बेयर एक्ट भी ज़रूर खोलिए. उससे सेक्शंस पहले देख लीजिए कौन से सेक्शन में क्या मेंशन की हुई है, उसके बाद ही उसके बुक से टेक्स्ट पढ़ना शुरू कीजिए, तो अंडरस्टैंडिंग अच्छे से डेवलप होती है. उससे पहले वीडियोस भी काफ़ी सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, जो टॉपिक समझ में नहीं आता है यूट्यूब से देख लीजिए, फिर उसके बाद पढ़िए. आजकल स्टडीज़ बहुत ईजी हो गई है, अच्छे से समझ सकते हैं घर बैठे भी, बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छे से तैयारी की जा सकती है. चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो क्लैट हो, LLB एंट्रेंस हो, LLM एंट्रेंस हो, जुडिशियल प्रिपरेशन हो, नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सारे की प्रिपरेशन आप लोग घर बैठे ही बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप लोगों को प्रॉपर स्टडी मटेरियल पता होना बहुत ज़रूरी है. हम लोग जब पढ़े थे, हम लोगों को शुरुआत से सब कुछ नहीं पता होता था तब, तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें हुई. बहुत एक्सपेरिमेंटेशन के बाद अभी हम लोगों को पता चल गया है कि कौन कौन से बुक्स किस सब्जेक्ट के लिए अच्छी बुक्स कंसिडर की जाती है. लेकिन हाँ, ये बता दूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोगों को थोड़ा डिफर भी हो. अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए लेवल अलग होता है. तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए क्या हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा. तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की. कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, आई डोंट थिंक कि इससे पहले कोई और सब्जेक्ट आता होगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि बेसिक है, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लोग बेयर एक्ट ले लीजिएगा. बेयर एक्ट बहुत सारे पब्लिकेशन के आते हैं, यूनिवर्सल का हो गया या किसी और का भी, तो बेयर एक्ट ले लीजिए. उसके बाद मेन टेक्स्ट बुक JN पांडे फॉलो करने के लिए स्टूडेंट लेवल में बहुत काफ़ी होता है. DD बासु की भी बुक होती है, लेकिन उतना डीप जाने का अभी ज़रूरत नहीं है आई थिंक. तो JN पांडे से स्टडी कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट के लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है प्रेजेंटली एज ऑफ डेट, वो पॉलिटी के नाम से जाना जाता है, वो है लक्ष्मीकांत की बुक. लक्ष्मीकांत की बुक बहुत हेल्पफुल होती है, तो वो बुक आप लोग ले सकते हैं. तो ये दो तीन चीज़ें, एक बेयर एक्ट, दूसरी JN पांडे, और तीसरी जो है लक्ष्मीकांत. ये सबको पता है आई थिंक, लेकिन फिर भी लक्ष्मीकांत के बारे में स्पेशल मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे कंसेप्ट बहुत अच्छे से दिया होता है. वहाँ से आप सेक्शन नहीं देख सकते हैं, डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन आप सेक्शन इधर बेयर एक्ट और इससे पढ़ के और उससे सारे कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं केस लॉज वगैरह के लिए. बाकी दो सप्लीमेंटल बुक्स तो है ही. अब बात करते हैं IPC की. तो IPC के लिए KD Gaur इज द बेस्ट बुक एज पर माई ओपिनियन. KD Gaur की बुक मुझे बहुत पसंद है, तो KD Gaur IPC के लिए. इसके अलावा CPC के लिए टकवानी की किताब बहुत अच्छी होती है, बहुत इजी लैंग्वेज में, और उससे कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑर्डर्स भी होते हैं, सेक्शंस भी होते हैं, तो रिलेट करके बहुत अच्छे से बुक है, बहुत अच्छी किताब है, ले सकते हैं उसको. CRPC के लिए SN मिश्रा काफ़ी है. अब बात करते हैं हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ की. हिंदू लॉ के लिए RK अग्रवाल का बुक बहुत अच्छा माना गया है, बहुत अच्छे से उसमें डिफाइन किया हुआ है इजी लैंग्वेज में. इसके अलावा BM गांधी भी है, लेकिन BM गांधी का लेवल थोड़ा सा ऊपर का है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे RK अग्रवाल पर्सनली पसंद है. हालांकि मेरे पास BM गांधी की भी बुक है, तो मुझे पता है दोनों का एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो RK अग्रवाल इज द बेस्ट बुक फॉर हिंदू लॉ. मुस्लिम लॉ के लिए अकील अहमद माई पर्सनल फेवरेट, तो अकील अहमद की किताब काफ़ी अच्छी है. जुरिस्प्रूडेंस के लिए बहुत सारे ओपिनियंस आप लोगों को मिलेंगे सुनने के लिए, लेकिन बेसिक कंसेप्ट शुरुआत से डेवलप करने के लिए मैंने परांजय पे पढ़ी थी, तो मुझे अच्छी लगी थी किताब. इसके अलावा झाप वाला अभी बहुत बहुत ज़्यादा आपको सुनने में मिलेगा, झाप वाले की बुक. झाप वाला की बुक भी बहुत अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे लेवल से समझाया जाता है उसमें. और इसके अलावा एक और बुक है जो कि डिटेल में मास्टर्स लेवल में ज़रूरत पड़ता है, वो है सूरी रत्नपाला. सूरी रत्नपाला की बुक भी जुरिस्प्रूडेंस के लिए काफ़ी अच्छी मानी गई है. अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की. कॉन्ट्रैक्ट के लिए RK बांगिया इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, ठीक है.
आर के बांगिया का बुक ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, टॉट के लिए भी बांगिया की ही किताब यूज़ किया कीजिए, अच्छे से डिफाइंड है उसमें। और आईपीआर के लिए, आईपीआर का क्योंकि है नेट के सिलेबस में इसलिए मैं बता रही हूँ, आईपीआर को अलग से पढ़ने के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है। मैं कॉन्सोलिडेटेड एक एक्ट आता है तो उस कॉन्सोलिडेटेड एक्ट में बहुत सारे जो एक्ट्स एक साथ उसमें दिए हुए हैं तो उससे कॉन्सेप्ट तो अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आईपीआर के लिए इस तरह की कॉन्सोलिडेटेड आती है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। ये वेयर एक्ट टाइप का ही है, इसमें बहुत सारे एक्ट्स एक साथ दिए हुए हैं, तो आप लोग आईपीआर की इस तरह से जो है वो ले सकते हैं, और ये यूनिवर्सल की है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एविडेंस। एविडेंस के लिए बटुक लाल बहुत अच्छी बुक है, बटुक लाल की बुक ले लीजिए। और आई होप सारे मेन मेजर सब्जेक्ट्स जो है ये मैंने बता दिया आपको। अगर इसके अलावा कोई और सब्जेक्ट की क्वेरी है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और होली है, अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन हाँ पढ़ना बिल्कुल मत भूलिए। कम्पिटिटिव एग्जाम में एक भी दिन वेस्ट करना अफोर्डेबल नहीं है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। तो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी टैप करें ताकि फ्यूचर में नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले और आप अपने आप को हर दिन ग्रूम कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।